सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सागरपाल के पिता जोगिंदर शाह ने कहा कि वो इस घटना में अपने बेटे की संलिप्तता के बारे में जानकर स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि सागर इस केस में संलिप्त है, मैं इससे काफ़ी हैरान हूँ। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ, वे पहले कभी किसी अपराध में वो शामिल नहीं था। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने रविवार को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर फायरिंग के मामले में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के महसी गांव के रहने वाले सागरपाल और विक्की गुप्ता को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया। सागरपाल के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि वे एक साधारण व्यक्ति हैं, वे जालंधर में काम कर रहे थे, उन्हें नहीं पता कि सागर मुंबई कैसे पहुँचा। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग करने के बाद सागरपाल और विक्की गुप्ता भाग रहे थे। उन्हें सोमवार रात गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव से उठाया गया। पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने कहा कि आरोपी के परिवार के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले दोनों आरोपियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए और पुलिस से बचने के लिए कई रूट बदले थे। इस तरह दोनों आरोपी मुंबई से गुजरात के भुज भाग गए थे। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने मुंबई पुलिस को बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद उन्होंने दोपहिया वाहन को माउंट मैरी चर्च के पास फेंक दिया और बाद में बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया। बांद्रा स्टेशन से आरोपी बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन में चढ़ गया और बांद्रा से दूसरे स्टॉप सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर उतर गया। सांता क्रूज से वे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर पैदल आगे बढ़े, जबकि वकोला से आरोपी सूरत की ओर निकल गए। सूत्रों ने बताया कि सूरत में उन्होंने पिस्तौल को एक तालाब में फेंक दिया और फिर रेलवे स्टेशन गए, लेकिन उन्हें भुज के लिए कोई ट्रेन नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद पहुँचने के लिए बस लेने का फैसला किया। अहमदाबाद से उन्होंने फिर भुज पहुँचने के लिए बस ली। आरोपी कच्छ के माता नौमढ़ गांव के एक मंदिर में छिपे हुए थे।